हमें क्यों कोई नीचा दिखाए, हमें बर्दाश्त नहीं। हमें जीवन में सिर्फ दुखी तो मिला है, एक सुख के लिए तरस गया हूँ। ना जाने वो ऊपर वाला हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जी तो करता है कि सुसाइड कर लो, पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई का टेंशन, सक्सेस का टेंशन, समाज का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, सब खत्म। बस सुसाइड कर लो। माँ बाप का क्या है, वही तो ये सब सारा टेंशन दिए हैं, उनको भी सबक मिल जाएगा। ये दुनिया को पता लग जाएगा कि मैं कितना मेहनती था, सिर्फ असफलताओं के कारण मैंने सुसाइड किया, और दुनिया मुझे ये समझकर बहुत इज्जत देगा। अरे हाँ, लड़की का टेंशन, ये तो सबसे बड़ा टेंशन है आज के युवाओं का। अगर वो मुझे नहीं मिले, या वो मुझे पसंद नहीं करती, या उससे मेरा शादी नहीं हुआ, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आप जो भी ये सब सोचकर निर्णय अपने जीवन का ले रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। दुनिया आपको निकम्मा, नकारा और बुर्जिली समझेगा, कमज़ोर समझेगा। हर बात रही लड़की का, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो शादी करेगी, अपने हस्बैंड के साथ मस्त ज़िंदगी जिएगी, और तुम्हें याद भी नहीं कर रखेगी, और तुम चूतिया के जैसे सुसाइड करके ना जाने क्या झेल रहे होगे। अभी तुम जिंदे हो तो तुम्हारे पास मरने का ऑप्शन है, मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कैसे कोई कह सकता है कि मरने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। क्या पता ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तुम घुटो खुद को और तुम वापस ज़िंदगी पाना चाहो, लेकिन ये जीवन दोबारा फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे सब कुछ बदलना, तुम चाहोगे कुछ करना, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम जिंदे हो तो जीवन का महत्व नहीं समझ में आ रहा है। कौन गारंटी दे सकता है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, कौन बोल सकता है, कोई नहीं। सब तो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ही, अपने जीवन को बेहतर तो बनाएंगे ही, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या होगा। अभी तुम जिंदे हो, यदि सोचो तो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ है। ये नहीं तो वो नहीं तो कुछ और। ज़िंदगी का मतलब कुछ पाना नहीं होता है, ज़िंदगी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस। आप अपने ज़िंदगी में कितना एक्सपेरिमेंट किए हैं और कितना एक्सपीरियंस लिए हैं, ये जीवन का असली महत्व है, और यही जीवन का सच है। यदि आप किसी को दिखाने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, या किसी को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, हमेशा ही असंतुष्ट ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर खुद के एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के लिए जी रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हर कोई, पूरी दुनिया आपको देखेगी भी, जानेगी भी और मानेगी भी, क्योंकि जीवन कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि तुम जो सोचोगे वैसा ही सिचुएशन आपके सामने आए, बल्कि जीवन वो है कि जैसा सिचुएशन वैसा स्क्रिप्ट और डिसीज़न। तो फिर देखो कि जीवन कितना सुंदर, सुखद और आनंद से भरा हुआ रहेगा। जो तुम आज मरने के लिए सोच रहे हो ना, वही कल जीने के लिए सोचोगे और तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। माना जिंदगी आसान नहीं होता, पर मौत कभी कामयाब भी नहीं होता। माना कि जिंदगी आसान नहीं होता, पर मौत भी कभी कामयाब नहीं होता। समझ लेगा जब तू इस किताब को, तो कहेगा कि ये ज़िंदगी बड़े मज़ेदार होता, बड़े मज़ेदार होता। दिल से बोलना चाहता हूँ कि लड़ो, सिचुएशन कुछ भी हो, हर चीज़ का एंड होता है। जीवन को अपने खुद से एंड मत होने दो। ज़िंदगी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस। कितने दुख मिलेंगे, कितने सुख मिलेंगे, देखो, भागो नहीं। जय हिंद, जय भारत।